अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों का लास्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेटा अगर आप देखें तो इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है मार्केट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कहा था कि जब मार्केट कवर हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है, तो बेटा अगर आप देखें तो इस चैप्टर में भी वो वर्ड दोबारा यूज हुआ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मार्केट कहते किसे। तो बेटा मैंने लास्ट सेक्शन में भी आपको बताया था कि मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाय एंड सेलर्स, कि मार्केट जो है वो एक ग्रुप का नाम है जिसमें दो लोग होते हैं, एक चीज को बेचने वाला और बेटा एक चीज को खरीदने वाला। अब मार्केट दो लोगों के ग्रुप से बनती है। अब इसमें दो लोग जो आगे बायर और सेलर, तो मार्केट फोर्स कैसे करती है ये हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम बायर और सेलर के बारे में मजीद पढ़ लेते हैं। तो बायर के लिए बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिमांड, और सेलर के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सप्लाई। तो बायर और सेलर मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं, इस चीज को पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक डिमांड और एक सप्लाई। तो आज हम इसमें से बेटा पहले डिमांड के बारे में पढ़ते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर जनरली जब हम डिमांड का वर्ड यूज करते हैं तो डिमांड का वर्ड यूज होता है डिजायर के, यानी ख्वाहिश के। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का वर्ड सिर्फ डिजायर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हमेशा याद रखना आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, एक डिजायर और दूसरा परचेजिंग पावर, यानी उस शख्स के पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिमांड है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, के मार्केट को दो चीजें अफेक्ट करती हैं और एक डिमांड और एक सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट किसे कहते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ना है। तो मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया कि मार्केट एक कॉम्बिनेशन है दो लोगों का, सेलर और बायर का। ठीक है, जिसमें हमने दो लोगों के बारे में अलग अलग डिस्कस करना है। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में बायर से रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो डिमांड है, और सेलर से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो सप्लाई है। तो स्टूडेंट्स जब तक आपको ये दो चीजें नहीं पता होंगी तो आप इन इसको कंप्लीट मार्केट फोर्सेस को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमने इनको अलग अलग से पढ़ना है। तो हमने पहले नंबर पर स्टार्ट किया डिमांड। तो डिमांड के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जनरली डिमांड का मतलब डिजायर के लिए लिया जाता है, यानी किसी चीज की ख्वाहिश के लिए लिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर वन, एक डिजायर हो और एक परचेसिंग पावर हो, यानी उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बेटा आपको बताता हूं। फर्स्ट करें कि एक शख्स जो है वो गाड़ी खरीदना चाहता है, वो ख्वाहिश रखता है गाड़ी खरीदने की। लेकिन बच्चे अगर उसके पास उस गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो सिर्फ उसकी डिजायर रहेगी, उसकी डिमांड कब कंसीडर होगी, जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। अगर उसके पास उस गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे भी हैं तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो शख्स उस चीज की डिमांड रखता है। तो अब हम डिमांड को बेटा प्रॉपर एक डेफिनेशन की शक्ल में पढ़ते हैं। डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, डिमांड के बारे में कहा जाता है बच्चे कि डिमांड मीन्स quantity of commodity which a consumer is ready to purchase at different prices. ठीक है, ये दोनों डिमांड की कंडीशन है, डेफिनेशन नहीं है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड मींस
क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, क्वांटिटी कहते हैं बेटा मिकदार को और कॉमोडिटी कहते हैं चीज को, यानी कहता है कि डिमांड से मुराद किसी भी चीज की वो मिकदार है विच आ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, जिसको कोई भी परचेजर मुख्तलिफ चीजों पर खरीद मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं दोबारा से बेटा आपको बताता हूं कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड से मुराद क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी है जिसको कंज्यूमर मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए क्या हो रहा है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर बच्चे, अगर एक शख्स 10 केजी शुगर परचेज करना चाहता है एट द रेट ऑफ रुपीज 60 पर केजी, ठीक है, अब जारी बात है पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये डिमांड की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो अगर वो शुगर परचेज करना चाहता है तो जारी बात उसकी डिजायर भी है, और अगर वो खरीदने के लिए जा रहा है उसके पास पैसे भी है, तो इसका मतलब है कि इसने डिमांड की दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया। उसके बाद हम देखेंगे अब इसमें डिमांड क्या है। तो बच्चे वो कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है, 10 केजी, ये 10 केजी उस प्रोडक्ट की क्या है क्वांटिटी, ये याद रखना आपने, और 60 उसकी क्या है प्राइस, तो प्राइस का साथ होना जरूरी है, ये याद रखना आपने। तो अब हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, तो कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है वो 10 केजी, ठीक हो गया, और इस कीमत के ऊपर 60 के ऊपर, तो ये जो 10 केजी को क्वांटिटी परचेस कर रहा है इकोनॉमिक्स के पॉइंट से बेटा ये उस कंज्यूमर की क्या कहलाएगी, डिमांड। ठीक है, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट करें कि स्टूडेंट्स अगर एक शख्स 5 शर्ट्स परचेस करना चाह रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर शर्ट, ठीक है, अब ये 500 बचे ये उसकी क्या है, ये उसकी प्राइस है, लेकिन वो शर्ट्स की कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है 5, तो आपने क्वांटिटी को देखना ही याद रखना है क्योंकि डिमांड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो 5 शर्ट्स है उस कंज्यूमर की क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। क्लियर हो गया ये, तो सबसे पहले हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया कि डिमांड कहते किसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक मेन चीज। अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी फैक्टर्स Which affects on demand, ठीक है, यानी जिसको हम ये भी कह सकते हैं causes of changes in demand, यानी ऐसे कौन से अवामी है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे इंसान की डिमांड चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चे आपको यह आना बहुत जरूरी है। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल डिमांड को चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले डिमांड को चेंज करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस। प्राइस इज द मेजर फैक्टर जो इंसान की डिमांड को चेंज कर देता है। अगर हम जनरली देखें तो क्या होता है, जब मार्केट में हम जाते हैं तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर रही हो तो लोग उसकी परचेसिंग पावर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी अदर वर्ड्स उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही हो तो लोग उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब अगर हमने यहां पे ये नहीं देखना कि डिमांड कम हो रही है ज्यादा, क्योंकि जो वर्ड चेंज है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पे बच्चे देखें डिमांड इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है, यानी चेंज हो रही है, तो यहां पे डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से। तो इसका मतलब है कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंसान की डिमांड को चेंज कर देता है। उसके बाद नंबर 2 में अगर देखें बच्चे डिमांड को चेंज करने वाला दूसरा फैक्टर होता है इनकम। ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो जब लोगों की आमदनियां बढ़ जाती हैं इनकम को इकोनॉमिक्स में बच्चे वाई से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखना है, वाई इनकम के लिए रिप्रेजेंट होता है। अगर लोगों की आमदनियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उसके असरात क्या होते हैं कि लोग परचेसिंग पावर को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और अगर इनकम कम होना शुरू हो जाए तो लोग अपनी परचेसिंग पावर को भी कम करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर भी देखें डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर डिमांड जो चेंज हो रही है वो अब प्राइस की वजह से नहीं बल्कि इनकम की वजह से, यानी इनकम भी एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान की डिमांड को चेंज कर देता है। इसके अलावा अगर देखें बच्चे हमारे पास वेदर, ठीक है, मौसम, वो भी डिमांड को चेंज कर देता है। मसलन देखें अभी समर आ जाएगा ना, ठीक है, तो समर में आप एसी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो ही विंटर सीजन आ जाएगा
तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड यहां पर भी चेंज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, वेदर की वजह से। इसी तरह अगर हम देखें बच्चे, तो हमारे पास टेस्ट, फैशन, इनकी वजह से भी किसी शख्स की डिमांड चेंज हो जाती है। अगर कोई टेस्ट का मतलब होता है पसंद, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, और अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज फैशन में है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर डिमांड के चेंज होने की वजह अब ना तो प्राइस है, ना इनकम है, ना वेदर है, बल्कि टेस्ट या फैशन है। इसी तरह बच्चे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स में दो तरह की गुड्स आती हैं, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं ज्वाइंट गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स मुतबादल को कहते हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर कोक की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो लोग कोक छोड़कर पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है, उसकी डिमांड अफेक्ट कर जाएगी। तो लिहाजा यहां पे भी एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस भी, दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, तो ये सब्स्टिट्यूट आ गया, ठीक है, जो एक दूसरे के मुतबादल यूज हो जाती है। अब ज्वाइंट गुड्स कौन सी होती है, जो कंबाइंड यूज होती है ना, जैसे बैट एंड बॉल, रैकेट, शटल, ठीक है। अगर इसमें आप देखें तो अगर बैट की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉल की डिमांड पर भी अफेक्ट पड़ेंगे, तो उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से भी बाजफा किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंज आ जाती है। उसके बाद नंबर सिक्स पे अगर देखें बच्चे, हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर आज हमें पता चलता है कि दो दिन के बाद शुगर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड को फौरन बढ़ा देंगे, आज ही जाकर उसको खरीदना शुरू कर देंगे। या हमें आज पता चलता है कि दो दिन के बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो हम उसकी डिमांड को फौरन रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि कल को दो दिन के बाद कीमत गिरेगी तो हम उसको खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रियल लाइफ में डिमांड को चेंज करने वाले बेशुमार फैक्टर्स हैं। अब हम सारे भी यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, तो बेशुमार फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमने ये सारे फैक्टर पढ़ने हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखना कि हमने यहां पर इकोनॉमिक्स में ना इसका रिलेशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ना है, ना प्राइस के साथ पढ़ना है, ना टेस्ट के साथ पढ़ना है। हमने डिमांड का रिलेशन सिर्फ एक ही फैक्टर के साथ पढ़ना है, और वो कौन सा है, पहले वाला प्राइस। और प्राइस और डिमांड का यही रिलेशन मिलकर एक लॉ बना देता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक था पहला, वो था कि जी डिमांड किसे कहते हैं और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ना था। तो लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आती है। लेकिन हमने वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करने होते, हमने जो डिमांड का रिलेशन है उसे एक ही फैक्टर के साथ पढ़ना होता है, और वो कौन सा है, प्राइस। और मैंने आपको कहा कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है एक लॉ बनाता है जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड। ये जो मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसी को बेस बनाकर मैंने आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर आ रहा था, इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया। तो लॉ ऑफ डिमांड अब आपको करना बहुत आसान हो जाएगा, अब आपको डेफिनेशन भी इसकी आ जाएगी, इसको एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा, अब सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं इन्हीं को हमने इसकी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अब अदर थिंग्स क्या है, अब यही बताने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो अदर थिंग्स क्या है, अदर थिंग्स हमारा इनकम, वेदर, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारी अदर थिंग्स हैं। यानी प्राइस के अलावा हमने बाकी तमाम को अदर थिंग्स कंसिडर करना है। अदर थिंग रिमेन सेम, अगर बाकी चीजें चेंज ना हो तो इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज
then demand decrease. ठीक है, कि अगर बाकी चीजें सेम रहे तो फिर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाकी चीजों को बचे सेम नहीं रखेंगे तो फिर हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि डिमांड में जो चेंज आ रही है आया वो प्राइस की वजह से या किसी और वजह से. इसीलिए अगर हमने लॉ को प्रूव करना है तो हमें बाकी चीजों को क्वेश्चन में से निकालना होगा. तो बाकी चीजों को क्वेश्चन में से निकालने के लिए हमने डेफिनेशन में पहले ही लिख लिया अदर थिंग रिमेन सेम. अगर बाकी चीजें चेंज ना हो तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा. यानी इसका उलट हो जाएगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अगर आपको ये एरो याद है तो बच्चे आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं. मैंने ये डेफिनेशन कैसे बनाई है देखें. अदर थिंग्स रिमेन सेम इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज एंड इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. तो ये हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली लॉ ऑफ डिमांड की. ठीक हो गया. और हमने ये भी पढ़ लिया इन दोनों में कौन सा रिलेशन है. इनवर्स, क्योंकि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और एक ही काम होने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है. लिहाजा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इनको कह सकते हैं कि इनके दरमियान में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है. अब बच्चे हमेशा याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें उसका स्केड्यूल भी बनाना है. तो हम इसके स्केड्यूल की तरफ आते हैं यानी टेबल बनाना होता है. फिर हमें टेबल में प्रूफ करना है उसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. तो टेबल बनाना बहुत आसान है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इकोनॉमिक्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. आपने हमेशा याद रखना है. ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं. आपने सिर्फ तरीका समझना है, रट्टा नहीं लगाना. जैसे मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे भी इस तरह के हजारों टेबल खुद बना सकते हैं क्योंकि ये फर्जी टेबल होते हैं. तो ये मैंने भी खुद से वैल्यूज लेकर बनाना है, आप भी बना सकते हैं इसको. तो हमने कितनी चीजों का रिलेशन देखना है, दो चीजों का, प्राइस और डिमांड का. इसलिए मैंने कॉलम भी कितने बनाए, दो, प्राइस और डिमांड. तो पहला कॉलम हमारे पास आ जाएगा प्राइस का जो कि रुपीस में है और दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा डिमांड का. और मैंने आपको बताया है कि डिमांड हमारे पास किस चीज में है, क्वांटिटी के अंदर. तो पहला कॉलम हमारे पास प्राइस में रुपीज में याद रखने और दूसरा डिमांड का हो जाएगा क्वांटिटी में. तो हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं, वैल्यूज खुद से लगाएंगे, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं बेटा. जैसे कि प्राइस मैंने आपको क्या बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी. तो मैं ज्यूम कर लेता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 5 मैं इस तरह से ले लेता हूं. ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. तो मैं यहां पर कोई भी वैल्यूज ले लेता हूं जो डिक्रीज करते हुए हमें नजर आएंगे 10, 8, 6, 4, 2. तो मैं फर्स्ट कर देता हूं कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपया थी तो कंज्यूमर उसकी 10 चीजें खरीद रहा था. जो ही उसकी कीमत बढ़ के 2 रुपए हो गई तो कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, पहले से कम कर दिया और चीजें कम खरीदना शुरू कर दी. तो जो जो कीमत बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. और अगर आप नीचे वाली साइड से देखें तो जो जो प्राइस कम होती जाएगी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी. हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल है ये लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वैल्यूज बचे कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे. आप 10, 20, 30, 40, 50 कर लें, आप 2, 4, 6, 8, 10 कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपने जो भी टेबल बनाना है वो इनवर्स रिलेशन के साथ बनाना है. तो ये हमारा जो टेबल है ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहा है. अब आगे हम बचे दूसरी चीज डायग्राम की तरफ. आपको पता है टेबल के बाद आपने उसकी डायग्राम बनानी होती है. तो अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम में हमारे पास दो एक्सेस होंगे. ठीक है, ये ओरिजिन होता है जिसको हम 0 पॉइंट से शो करते हैं. ठीक है, ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है. तो प्राइस को हम हमेशा वाई एक्सिस पर रखते हैं रुपीस में हमारे पास, और डिमांड हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी हमारे पास जो कि हम क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब डायग्राम कैसे बनाते हैं. तो डायग्राम को रट्टा नहीं लगाना, आपने एक डायग्राम बनाना है टेबल की मदद से. तो हम टेबल को देखते हैं. तो टेबल में हमारे पास अगर वैल्यूज देखें, पहले प्राइस की देखते हैं, तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है. तो हम 1 से इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि डायग्राम का रूल होता है हमेशा आपने याद रखना. यहां पे नहीं, आगे भी हर टॉपिक के अंदर कि डायग्राम में जब भी हम वैल्यूज लगाते हैं तो आपने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगानी होती है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ. तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 से 5 तक है, तो हमने सेम गैप के साथ 1 से 5 तक 5 वैल्यूज बना लेनी है.
ठीक हो गया। अब आते हैं डिमांड की तरफ, तो डिमांड में पहली वैल्यू क्या है, 10, तो आपने 10 यहां पे नहीं लिखना। मैंने आपको क्या कहा है कि टेबल में वैल्यूज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डायग्राम में हमेशा आपने असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे स्मॉल वैल्यू 2 है, तो आपने वहां से स्टार्ट करना है, 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 गैप सेम रखना आपने, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। अब आपने टेबल में से देखते जाना है और बचे आपने पॉइंट्स लगाते जाना है। तो जब प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी है, 10, तो यहां से हमारे पास आ गया कि जब प्राइस 1 है तो डिमांड 10, जहां पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे वहां पे हमें पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे, 2 के सामने 8 है, तो यहां से हम प्राइस 2 ले लेते हैं, यहां से हम डिमांड 8 ले दे रहे हैं, हमारे पास एक सेटिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें, 3 पे 6 है, ठीक है, उसके बाद 4 पे हमारे पास 4 है, या फिर टेबल को देख के बनाना है, डायग्राम को नहीं देखना, यहां से मैं यहां से देख के बना रहा हूं, और 5 पे हमारे पास लास्ट में 2 है। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए हैं, तो आपने इन 5 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो जो ही आप इन 5 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उसे हम DD से शो कर देते हैं, डिमांड लाइन, जो कि इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है, यानी जो जो प्राइस बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड पहले से कम होती जा रही है। तो ये हमने डायग्राम बना ली लॉ ऑफ डिमांड, क्लियर हो गया। और ये हमने, और एक और चीज भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज रियलिटी पर बेस नहीं करती, हमने हमेशा उसको प्रूव करने के लिए कंडीशंस का सहारा लेना पड़ता, हमें लेना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशंस में आपको, जिसको हम अजम्पशंस भी कहते हैं, ये सारी कंडीशंस और अजम्पशंस में आपको पहले ही पढ़ा चुका, लॉ ऑफ डिमांड से पहले ही मैंने पढ़ा दी थी कि उस शख्स की इनकम में चेंजेस ना हो, वेदर में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, टेस्ट ऑफ फैशन में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है, ठीक हो गया। अब बचे हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का, इसी के साथ जो वो है लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब हम पढ़ने लगे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है, और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको अलग अलग से पहले देख लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड, नाम से जाहिर है इंडिविजुअल, इंफ्रादी यानी एक, तो अगर हम एक शख्स की डिमांड को देखना चाहते हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। यानी मैं ये चाहता हूं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं देखना चाहता हूं कि मिस्टर अली एक स्पेसिफिक पर्सन है, कि मिस्टर अली प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड को कितना रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मिस्टर अली की मैं डिमांड को देख रहा हूं, एक स्पेसिफिक पर्सन की डिमांड को देख रहा हूं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। और अगर मैं तमाम इंडिविजुअल्स को कंबाइन करके देखना चाहता हूं, यानी दो या दो से ज्यादा अफराद को मिलाकर देखना चाहता हूं उनकी डिमांड को, उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। लेकिन मैं इसको आपको प्रॉपर डेफिनेशन में समझाता हूं, उसके बाद टेबल डायग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जी इंडिविजुअल डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। ये आपने याद रखना, ये आपने बोलना है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक मखसूस कीमत पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक मखसूस वक्त में, ये आपने चीजें याद रखनी है। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। डेफिनेशन हम दोबारा पढ़ लेते हैं, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज की वो मिकदार, डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कोई एक शख्स की अगर हम डिमांड को देख रहे हैं एट अ पार्टिकुलर प्राइस, एक मखसूस कीमत पर, एक मखसूस वक्त में, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, एक और एग्जाम्पल में आपको समझा, फर्स्ट करें, मैं देखना चाहता हूं कि मिस्टर असलम है,
वो प्राइस के चेंज होने से डिमांड को कितना चेंज कर रहे हैं। तो मिस्टर असलम की एक सिंगल पर्सन की डिमांड को देखना चाहता हूं, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इसका टेबल और डायग्राम वही होगा जो कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, क्योंकि जो टेबल हमने बनाया है ये हमने इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाया है, हमने एक शख्स की डिमांड को कंसिडर किया। इसका टेबल और डायग्राम आपने वही बनाना है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, तो लिहाजा हमें इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये अलग से क्वेश्चन आता है तो आप इसका टेबल और डायग्राम वही बनाएंगे जो लॉ ऑफ डिमांड में आपने बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। अब मार्केट डिमांड में भी मैं आपको सेम डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और सिर्फ एक वर्ड आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसी चले मैं इसी में आपको बता देता हूं, अगर मैं इसी को मार्केट डिमांड कह दूं, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या चेंज करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर एन इंडिविजुअल की जगह ऑल इंडिविजुअल्स कर दूंगा। यानी अगर हम तमाम लोगों की डिमांड को देखना चाहते हैं पार्टिकुलर प्राइस और एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैं दो लोगों की डिमांड को देखना चाहता हूं कि मिस्टर अली प्राइस के चेंज होने से मिस्टर अली की डिमांड क्या होती है, मिस्टर असलम की डिमांड क्या होती है, तो अगर हम मिस्टर अली और मिस्टर असलम की डिमांड को मिला दें, मर्ज कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको हम अलग से टेबल और डायग्राम से इसको देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का तो टेबल वही बनेगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट करें, पहला कॉलम हमारे पास आ जाएगा किस चीज का, पहला कॉलम हमारे पास आ जाएगा प्राइस का, ठीक है, जो कि रुपीस में है। दूसरा कॉलम आ जाएगा डिमांड ऑफ मिस्टर अली, चले हम नाम यही ले लेते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा डिमांड ऑफ मिस्टर असलम, आप एडी भी कर सकते हैं, ठीक है, तुम एक्स वाई भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ गया मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड कैसे होगी, अगर हम मिस्टर अली की डिमांड को और मिस्टर असलम की डिमांड को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो जो टोटल निकलेगा वो मार्केट डिमांड के है, ठीक है। अगर इसी तरह हम तीन लोग लेना चाह रहे हैं तो हम तीन ले लेंगे, अली असलम, और अगर आप एक तीसरा शख्स लेना चाह रहे हैं वो ले लें, उन तीनों की डिमांड को ऐड कर दें तो मार्केट और डिमांड हो जाएगी। तो आप दो या दो से ज्यादा अफराद की डिमांड को जब कंबाइन कर लेते हैं तो मार्केट डिमांड हो जाती है। तो यहां पर हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट करें हम वही प्राइस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब प्राइस बढ़ रही है तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हम इसको बनाते हैं, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, मिस्टर अली अपनी डिमांड को कम कर देता है, हम वही वैल्यूज ले लेते हैं 10, 8, 6, 4, 2, इसके लिए हम वही ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं डिमांड ऑफ मिस्टर असलम, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगी इसकी भी डिमांड कम होगी, यहां पर हम कोई और वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं 15, 12, 9, 6, 3, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने दोनों को डिक्रीज करना है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो दोनों की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर आपने मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी है तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे, तो 10 और 15 को ऐड करें तो ये 25 आ गया, ठीक है, 8 और 12 को ऐड करें तो ये 20 हो गया, 9 और 6 को ऐड करें तो 15 हो गया, 6 और 4 को ऐड करें तो 10 हो गया, 3 और 2 को ऐड करें तो 5 हो गया। तो ये हमने दोनों की डिमांड को मर्ज करके मार्केट डिमांड बना ली, तो अब हम इस मार्केट डिमांड को टेबल में डायग्राम में शो कर देंगे, ठीक है, तो अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं मार्केट डिमांड। तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, कि इंडिविजुअल डिमांड में हम किसी एक शख्स की डिमांड को देखते हैं और मार्केट डिमांड में हम ऑल इंडिविजुअल्स यानी दो या दो से ज्यादा अफराद की डिमांड को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। तो डेफिनेशन में सब एक वर्ड चेंज करना है तो आपकी डेफिनेशन आप कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम उसकी कुछ डायग्राम बना लेते हैं, उसी तरह से हम दो एक्सिस दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन आ गया हमारे पास डायग्राम का,
ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस है, यहां पे हमारे पास प्राइस आ गई जो कि रुपीस में है, यहां पे हमारे पास डिमांड आ गई, क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। तो वैल्यूज हमने लगानी है, अभी मैंने आपको समझाया कि प्राइस में वैल्यूज क्या लगाएंगे, 1 से लेकर 5 तक। तो सेम कैप के साथ आपने 1 से लेकर 5 तक स्टूडेंट्स पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब हमें अली और असलम को अलग-अलग नहीं देखना, हम मार्केट डिमांड में कंबाइन वैल्यूज लेते हैं जो हमने ऐड करके बनाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि डायग्राम हमने असेंडिंग ऑर्डर से चलना है, 5 10 15 20 और 25, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को देखकर वो डायग्राम बनाते हैं। तो 1 प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी है जी, 25। तो हम 1 के ऊपर 25 जहां पे मिलेंगे एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2 के सामने हमारी मार्केट डिमांड कितनी है, 20। तो 2 के सामने हमारे पास 20 आ गया, ये मैंने जुबानी नहीं बनाना, आपने नहीं बनाना, टेबल को देख के बनाना। 3 पर 15 ठीक है, 4 पे 10, 5 पे 5। अब फिर इसी तरह आपको 5 पॉइंट्स मिल गए हैं, आप इन 5 पॉइंट्स को आपस में मिला दें। जो ही आप इन 5 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो आपको यहां पे जो डिमांड मिलेगी अब वो आपकी मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, अब जो है हम थोड़ा सा अपना टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, वो है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्संस, बायर एंड सेलर्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मार्केट फोर्सेस को पढ़ना है तो पहले हमें बायर और सेलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बायर से मैंने आपको कहा कि बायर से के बारे में अगर हमने पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, उससे रिलेटेड हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो डिमांड होता है, और अगर हमें सेलर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है तो सप्लाई होता है। तो मार्केट फोर्सेस को पढ़ने से पहले हमें डिमांड और सप्लाई को पढ़ना है। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो डिमांड से रिलेटेड स्टार्ट किया। तो डिमांड क्या है, मैंने आपको बताया कि डिमांड जनरली डिजायर को कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, एक डिजायर और एक परचेसिंग पावर। फिर मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ाई के, डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेस एट डिफरेंट प्राइसेस। के डिमांड्स का वो चीजों की क्वांटिटी है जिसको एक कंज्यूमर मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दो एग्जांपल स्टूडेंट्स पढ़ाए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि डिमांड जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि डिमांड बेशुमार फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, जिसमें प्राइस भी है, टेस्ट भी है, फैशन भी है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी है, ज्वाइंट गुड्स भी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि हमने जो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का रिलेशन पढ़ना है सिर्फ प्राइस के साथ पढ़ना है, और प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है उसे कानून बन जाता है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस के और डिमांड के रिलेशन को डिस्कस किया हमने। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, अदर थिंग रिमेंस कांस्टेंट। उसका हमने टेबल बनाया, उसकी डायग्राम बनाई। फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा। इंडिविजुअल डिमांड में हम किसी एक शख्स की डिमांड को कंसिडर करते हैं, और मार्केट डिमांड में हम दो या दो से ज्यादा पर्सन की डिमांड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैंने उनको इंडिविजुअली आपको पढ़ाया और फिर हमने उसके टेबल और डायग्राम को देखा। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है शिफ्ट्स इन डिमांड, ठीक है, जिसको हम चेंजेस इन डिमांड भी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं वर्ड चेंज यूज करूंगा उससे मुराद दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि डिमांड में इजाफा होगा तो डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर डिमांड में कमी आएगी तो डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा, यह हम एक डायग्राम से स्टूडेंट्स इसको सीखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने हैं उसके अंदर हमने इसको बगैर टेबल्स के बनाना है। हमें चीजें आनी चाहिए कि डिमांड कर्व जब शिफ्ट करता है तो वो किस तरफ जाएगा, इंक्रीज होने की सूरत में और डिक्रीज होने की सूरत में। हम इसको एक डायग्राम से सीखते हैं। तो दो एक्सिस बनाए, ओरिजिन बनाया, एक्स एक्सिस हमारे पास, अब ये चीजें आपको आनी चाहिए, वाई एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, प्राइस आ गई हमारे पास जो कि रुपीस में है, इसी तरह डिमांड है हमारे पास क्वांटिटी के अंदर। अब हम एक जनरली डिमांड कर्व बना लेते हैं, हमें पता है नेगेटिव स्लोप में डिमांड कर्व, हमने एक डिमांड कर्व बना लिया, ठीक है। अब फर्स्ट करते हैं
कि डिमांड इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने से आप मैं एक एग्जांपल से फिर आपको समझा देता हूं। फर्स्ट करें आज डॉक्टर अनाउंसमेंट करते हैं कि जी आप एप्पल्स खाएंगे तो आप है, आपकी जो है ना वो सेहत जो है ना वो हेल्थी होगी, आप एक लॉन्ग लाइफ गुजारेंगे। तो लोग क्या करेंगे, एप्पल्स की डिमांड को फौरन बढ़ा देंगे। तो जब एप्पल्स की डिमांड को बढ़ा देंगे तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो इंक्रीज होने की सूरत में राइट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा, जिसको हम D1 का नाम देते थे। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी डिमांड में इजाफा होगा तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। ये भूलना नहीं है आपने, डिमांड के इंक्रीज होने की सूरत में डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। और अगर डिमांड में कमी आ जाए, कमी से क्या मतलब है, ठीक है, फर्स्ट करेंगे आप कह देंगे जी आज अनाउंसमेंट और डॉक्टर्स कर देंगे कि सिगरेट जो है वो इंसान की सेहत के लिए नुकसान दें, तो हमें कम पीने चाहिए, और लोग डॉक्टर्स की बात को मानकर डिमांड को सिगरेट्स की डिमांड को कम कर देते हैं। तो डिमांड में कमी आ जाएगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये शो करेगा डिक्रीज इन डिमांड को। तो ये याद रखना कि डिमांड में शिफ्ट दो तरह की होती है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट करेगा, और अगर डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेगा। ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक डिमांड से रिलेटेड खत्म हो गया है। अगर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सप्लाई से रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम डिमांड सप्लाई को कंबाइन करके इनका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।